लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने हिंदी सिनेमा पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी है। उस ग्रेट और कल्ट फिल्म का नाम है देवदास। लेकिन इस एपिक फिल्म पर बात करने से पहले इस एवरग्रीन कहानी पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी नहीं लिख दिया था, नहीं जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। 1917 में इंडिया के सबसे मशहूर राइटर्स में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास लिखी। तुम्हारे चरणों में मुझे यहीं थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। और आज तकरीबन 100 साल के बाद भी ये कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। और इस कहानी पर दुनिया में सबसे ज्यादा बार फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से एक तो साइलेंट एरा में बनी थी। आज हम बात करेंगे 1955 में बनी देवदास की, जिसके निर्देशक थे द ग्रेट बिमल रॉय। बिमल दा ने 1935 में हिंदी और बंगाली में बनी देवदास की सिनेमेटोग्राफी की थी। शायद तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि वो देवदास पर फिल्म जरूर बनाएंगे, लेकिन अपने अंदाज में। देवदास की कहानी बंगाल के एक गांव में बसे दो प्रेमियों यानी देवदास और पारो की है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन देवदास के पिता की नामंजूरी की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती और फिर पारो की शादी कहीं और हो जाती है। इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए देवदास शराब का सहारा लेता है। अपने दोस्त चुन्नीलाल के साथ कोठों पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक तवायफ चंद्रमुखी से। चंद्रमुखी देवदास के दर्द को कम करने की और उसके दिल में खुद के लिए प्यार जगाने की पूरी कोशिश करती है, मगर शराब और दुख में डूबा देवदास तो जीने की तमन्ना ही खो बैठा है। बिमल रॉय की देवदास में मुख्य किरदार दिलीप कुमार ने निभाया था। जानती हो ना, चांद पे भी रूप छिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है। और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। इस फिल्म को प्लान करते वक्त ही बिमल रॉय ने तय कर लिया था कि दिलीप कुमार ही देवदास की भूमिका निभाएंगे, और उनका यह फैसला बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के अलावा और कोई भी अभिनेता इस पात्र से पूरा न्याय नहीं कर पाता। रो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। आज तक उनका अंदाज और उनके डायलॉग्स मशहूर हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि इतने लाजवाब अभिनय के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर ने उस साल के बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया। पारो और चंद्रमुखी के किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां चुनने में बिमल रॉय को काफी दिक्कत हुई। पारो के रोल के लिए उनकी पहली चॉइस थी मीना कुमारी और चंद्रमुखी के रोल के लिए नरगिस, मगर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मीना कुमारी पारो का रोल ना कर सकी। नरगिस ने चंद्रमुखी का किरदार निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बनना चाहती थी पारो। बीना राय और सुरैया ने भी चंद्रमुखी के रोल करने से इनकार किया क्योंकि वो भी चाहती थी पारो का रोल। आखिर में पारो की भूमिका निभाई बंगाल की खूबसूरत एक्ट्रेस सुचित्रा सेन ने, जिन्होंने इस फिल्म के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। क्या ये हो सकता है मंत्री, एक बार उनके चरणों की धूल माथे पे लगा सकती हूँ। और देवदास में अपनी आंखों से दिल चुराने वाली चंद्रमुखी के किरदार में नजर आई वैजयंतीमाला। बाहर लाखों हो आने वाले, रुक जा
वैजयंती माला के सिलेक्शन से बिमल रॉय की फिल्म से जुड़े कुछ लोग खुश नहीं थे, मगर बिमल रॉय अपनी फिल्म को ज्यादा डिले नहीं कर सकते थे और उन्होंने फौरन फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। एक महीने से तुम्हारे लिए यहाँ से पड़ी हूँ, मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे, बेकार कितने रुपए खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए, और एक तुम हो जो कल मुझे पहचान भी नहीं। वैजयंती माला ने भी ऐसा अभिनय किया कि उन्होंने सिर्फ बिमल दा के यूनिट का ही नहीं ऑडियंस और क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। फिल्म फेयर ने भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया, पर वैजयंती माला ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मानती थीं कि चंद्रमुखी का किरदार पारो के किरदार के बराबर था और उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए, सपोर्टिंग का नहीं। पर बिमल दा ने वैजयंती माला को जरूर कंपनसेट किया अपनी अगली फिल्म मधुमती का टाइटल रोल ऑफर करके। तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। देवदास की कहानी में चुन्नीलाल भी बहुत अहम किरदार निभाता है और बिमल रॉय ने इस पात्र के लिए द ग्रेट मेथड एक्टर मोतीलाल को चुना। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें भी उनके उम्दा परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। हम आ गए। बिमल रॉय की खासियत ये थी कि वो छोटे से छोटे किरदार पर भी पूरा ध्यान देते थे ताकि हर एक आर्टिस्ट का अभिनय नेचुरल लगे और निखर कर आए। रो ना तो और क्या करूं, तुम समझते हो मेरा दिल पत्थर का है। देवदास के अन्य कलाकार जैसे नाजिर हुसैन, मुराद, प्रतिमा देवी, कन्हैया लाल, इफ्तखार और बेबी नाज ने भी जमकर अभिनय किया। ये कौन है? प्राण और जॉनी वॉकर भी खूब चमके और स्ट्रीट सिंगर्स के किरदार निभाते नाना पलसीकर और दुलारी पर अच्छे गाने भी पिक्चराइज हुए। देवदास फिल्म का संगीत उसकी कहानी के अनुरूप और काफी हटके था, जिसे कंपोज किया एस डी बर्मन ने और उन गानों को अपने शब्दों से सजाया महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने। देवदास के किरदार में दिलीप कुमार कुछ इस तरह से डूब गए थे कि फिल्म के रिलीज के बाद भी वो इस किरदार से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। देवदास के हाव भाव और अदाओं से दूर जाने के लिए उन्हें एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट की सहायता लेनी पड़ी, जिन्होंने उन्हें ट्रेजिक और इंटेंस रोल्स की जगह लाइट कॉमेडी रोल्स करने की सलाह दी। बिमल रॉय को देवदास के लिए भले ही फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड नहीं मिला, पर नेशनल अवार्ड कमेटी ने उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से जरूर नवाजा। और उनका सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि पिछले 90 सालों में देवदास नॉवेल पर आधारित इतने सारे वर्जन्स बनने के बावजूद आज भी बिमल रॉय की देवदास को सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी न खत्म होने वाली प्यास।